मिठनपुरा में 3 टाइम बम के साथ गिरफ्तार मोहम्मद जावेद और हिरासत के लिए गए सैफ व उमेर से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम ने बुलंदशहर के मोहम्मद समी को देर रात मिठनपुरा इलाके से हिरासत में लिया। रविवार की रात बुलंदशहर की पुलिस टीम और एटीएस पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद समी कुछ दिन पहले ही पुलवामा से लौटे था। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत सिन्हा ने मामले में जावेद व उसके फरार भाई जैकी के खिलाफ एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। जावेद को पुलिस ने शाम में में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डीआईओयू की टीम ने शुक्रवार की देर रात कोठिया मोहल्ले में स्मैक की सूचना पर छापेमारी की थी जिसमें टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस 3 टाइम बम भी मिले थे। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हरकत में आई। एटीएस और एनआईए की जांच का दायरा अब मुजफ्फरपुर से बुलंदशहर और पुलवामा तक पहुंच रहा है। उमर को पकड़ा गया जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहां भी छापेमारी की गई है, परंतु उस घर पर भी बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़िया मिली है, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं, 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है, हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूंकि कारतूस के खोखे भी मिले। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। क्या इसको जम्मू कश्मीर कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी वहां जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलो अप एक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड है, जहां तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। तीनों धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। बाकी जो पूछताछ में चीजें आई हैं उसका अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, राज्य के अंदर राज्य के बाहर दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही। जैसा आपको बताया बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया। फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अनुसंधान नहीं, एनआईए की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।